शिवपुरी की छात्रा काव्या धाकड़ को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला। सहेली के रूम पर रह रही थी। सुनिए क्या कहा एडिशनल एसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया का। राजस्थान के कोटा से गायब शिवपुरी की छात्रा को इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ढूंढ निकाला है। छात्रा और उसके दोस्त को देव गुराड़िया खुड़ैल के आगे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास उसकी सहेली के रूम से बरामद किया गया है। सहेली इसी कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर रही है। मामले से एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि काव्या और हर्षित को बरामद कर लिया गया है। कोटा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। दोनों को कोटा पुलिस के हवाले किया जाएगा। जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी ने यह भी बताया है कि इन दोनों ने अमृतसर में काफी समय बिताया है। इनके पास पैसा नहीं था तो एक गुरुद्वारा में रह रहे थे। शिवपुरी के बैराड़ की रहने वाली काव्या धाकड़ 20 वर्षीय बीते 18 मार्च को अपने दोस्त हर्षित के साथ लापता हुई थी। उसकी आखिरी लोकेशन इंदौर में भोलाराम उस्ताद मार्ग पर मिली थी। सर युवती जो कोटा से गायब हुई थी वो पकड़ाई गई। एक किडनैपिंग का मामला रजिस्टर्ड हुआ था कोटा जिले में, जो विज्ञान शहर थाना है वहाँ पर एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था किडनैपिंग का। उस सिलसिले में कोटा की टीम यहाँ इंदौर पर आई थी और इंदौर में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की दो टीमें लगाई गई थी उनके लिए। और उसमें किडनैपिंग में लगातार कोटा टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और यहाँ पर स्टे किया गया और इंदौर पुलिस के द्वारा उनको सहयोग दिया गया। इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देव ग्वालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहाँ से एक दोनों को एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है और कोटा पुलिस रवाना हो गई है और उनको दस्तयाब जो छात्र छात्रा है उनको दे दिया जाए। सर यहाँ से कहीं बाहर भी चली गई थी सर? अभी इस तरह की बात चुकी ऑलरेडी वो लोग आए अभी कोटा पुलिस रवाना हो गई है। इसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने काफी समय अपना अमृतसर में जो कि अपना गुरुद्वारा है वहाँ पर रहे हैं। पैसा इनके पास कम था तो इस वजह से वहाँ पर रहे थे। अभी फिलहाल इसमें चूंकि कोटा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोटा पुलिस के आने के बाद उनको हैंडओवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन जो तथ्य आएंगे उसके आधार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा कार्य क्यों रचा, किस तरीके से रचा था ये लड़की ने, ये अभी फिलहाल इसकी बात सामने नहीं आई है। चूंकि कोटा पुलिस की मदद के लिए इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उनके जो तथ्य आएंगे उसके आधार वैधानिक कार्रवाई वो उनके अनुसार की जाएगी। सर लड़की भवरकुआ क्षेत्र में भी दिखी थी, यहाँ पर भी रुकी थी। इस तरह के सीसीटीवी फुटेज कोटा पुलिस को मिले थे, उस फुटेज के आधार पर उनको ये संभावना थी, इसलिए उन्होंने इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी कि कहीं ना कहीं ये इंदौर में हो सकते हैं। तो इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच की दो टीमें लगातार लगी रही थी, उन्होंने कोशिश की थी और अभी फिर इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है, कोटा पुलिस जल्दी आकर इनसे इन्वेस्टिगेशन में और तहकीकात करें। सर इंदौर पूछताछ में बताया कि क्या कहानी रही? अभी जैसा कि मैंने बताया वो ऑन द वे हैं, अभी पहुंचने वाले हैं और उनसे पूछताछ पर स्थिति स्पष्ट की। सर इंदौर क्राइम ब्रांच की बात हुई क्या उससे, लड़की से? हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच इस काम में लगी हुई थी जो कि वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा लगाया गया था, कोटा पुलिस के सहयोग के लिए लगी हुई थी और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। सर इंदौर कब आई थी ये? इंदौर कितने दिन हो गए? ये अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर खुलासा किया जाएगा।